ये फैक्ट है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पीएसयू प्राइवेट एकदम स्टैंड आउट कर रहा है। लेकिन इसी दौरान हमने एक नई चीज देखी आरबीआई से। पहले था कि छोटा मोटा कैश पेनल्टी लगा दो बैंक अगर थोड़ा कहीं रूल तोड़ रहे हैं तो, अभी लेकिन आपने तो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट दिया है, इसके पीछे क्या थॉट है आपका? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं, वो करेक्टिव स्टेप है, मैं उसके बाद में आऊंगा। पहले मैं आपका वो जो डिपॉजिट और क्रेडिट उसके बारे में बात कर लेता हूं। इसे देखिए, आपने सही कहा, यंग इंडियंस जो है, जो आजकल मतलब प्रोफेशनल्स हो या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, यंग इंडियंस में ये जो इंटरनेट एज है, मोबाइल एज है, टेक्नोलॉजी जहां पे इतना इंपॉर्टेंट बन गया है हमारे डे टू डे लाइफ में, यंग इंडियंस आर एस्पिरेशनल। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है, वर्ल्ड ओवर यही होता है। जब एक कंट्री प्रोग्रेस करता है, जब एजुकेशन लेवल टेक्नोलॉजी आगे जाता है, तो नेचुरली यंगर पॉपुलेशन जो है दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर मार्केट्स। उसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। इफ यंगस्टर्स आर गोइंग इन टू स्टॉक मार्केट्स, इफ यंगस्टर्स आर बाइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इफ दे आर बाइंग इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स, इट्स ए गुड थिंग, इट शुड हैपन। हम लोगों का ये सिर्फ कहना है कि देखिए, बैंकों को ये हम एडवांस एक कॉशन की तरह से हम बता रहे हैं, प्रोएक्टिवली एडवांस हम ये कह रहे हैं कि आप इसको केयरफुली मॉनिटर करिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके ये एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यू बन सकता है। मतलब जो गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ अगर कंटिन्यू करता रहता है, इफ इट कंटिन्यूज इन ए वेरी यू नो इफ इट बिकम्स परसिस्टेंट, देन इट कैन क्रिएट लिक्विडिटी इश्यूज। मतलब आप क्रेडिट बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, छह आठ महीने के लिए चल जाएगा, एक साल तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेगा, और ये जो स्थिति है ये पिछले साल से शुरू हुआ है, तो इसीलिए बैंकों को प्रोएक्टिवली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीलिंग विद दिस लिक्विडिटी मैनेजमेंट। और क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में एक बैलेंस लाना चाहिए। और अनदर पॉजिटिव थिंग विच हैज हैपेंड इज बैंक्स आर इवन टुडे आई फाइंड दैट बैंक्स क्वाइट अ नंबर ऑफ बैंक्स आर नाउ रेजिंग फंड्स थ्रू बाय फ्लोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। एंड द गुड थिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इज दैट दे आर गेटिंग इट एट वेरी अट्रैक्टिव रेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ऑल्सो दे आर नॉट डिपॉजिट्स, सो दे डोंट हैव रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। मतलब सीआरआर में आप इतना रखना पड़ेगा, एसएलआर में वो भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इट इज नॉट ए डिपॉजिट, दे आर लो कॉस्ट एंड देयर फॉर लॉन्ग टेनर। तो मेनी बैंक्स हैव नाउ रिजॉर्टेड टू रेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स। दैट्स ए गुड थिंग विच हैज हैपेंड इन द वेरी रिसेंट मंथ्स। द अदर थिंग विच इज यूनिक एंड विच इज हैपनिंग नाउ फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स इज दैट क्रेडिट ग्रोथ एंड क्रेडिट डिसबर्समेंट हैज बिकम वेरी फास्ट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आज आप मोबाइल के थ्रू में किसी बैंक से आप मतलब जो है लोन आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फिजिकल है। आप लोन डिसबर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है आज भी वो फिजिकल है। इसीलिए मैंने पिछले मॉनिटरी पॉलिसी में मैंने कहा था आरबीआई के तरफ से कि बैंकों को नए नए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, नए नए यू नो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ डिपॉजिट्स मतलब लाना चाहिए, और उनका जो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है उसको यूटिलाइज करना है। आपका अगला सवाल था जो पनिशमेंट, आपने कहा पेनल्टी या जो भी कह रहे हैं, देखिए ये पनिशमेंट नहीं है, ये एक करेक्टिव स्टेप है। अगेन आरबीआई का जो सुपरवाइजरी सिस्टम्स एंड मेथड्स है, हम लोगों ने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट लाए हैं। आजकल जिस डीप लेवल में हम सुपरविजन कर रहे हैं वो मतलब इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट। हम ऑन साइट सुपरविजन करते हैं, हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर से वो बैंक हो या एनबीएफसी हो या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वहां पे जाते हैं, दैट इज ऑन साइट। हम ऑफ साइट भी सुपरविजन करते हैं। ऑफ साइट मतलब टेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास सारे डेटा फ्लो जो है वो रियल टाइम बेसिस में आ रहा है। तो हम ऑन साइट ऑफ साइट भी ऑफिस में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर का, हर एक बैंकों का, एक एक बैंक का क्या क्या ट्रेंड है, कितना लोन जा रहा है, कितना डिपॉजिट आ रहा है, लोन में अगर डिफॉल्ट है तो जीरो, कोई ओवरड्यू रिपेमेंट नहीं हुआ तो 0 to 30 डेज 30 दिन तक कितना ओवरड्यू है,
30 दिन से 60 दिन तक कितना ओवरड्यू है, क्या 0 टू 30 डेज का जो ओवरड्यू है क्या वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 30 टू 60 डे ओवरड्यू बढ़ रहा है क्या? तो बहुत हम ऑफ साइट सुपरविजन भी बहुत कर रहे हैं. तो इसीलिए हमारा जो सुपरविजन है, इट हैज रियली वी हैव नाउ डेवलप्ड इट एंड इट इज बीइंग नाउ डन विथ अ काइंड ऑफ, मैं हमेशा अर्जुनस आई यूज करना कहता हूं, लेकिन एक ईगल्स आई की तरह हम वॉच करते हैं. एक मिनट में बस कंप्लीट कर रहा हूं. ओवरऑल सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल. हमारा अप्रोच ये रहा है कि जहां पे हम डेफिशिएंसी देखते हैं, पहले हम उनको इंटरनली बायलेटरली उनके साथ डील करते हैं. बायलेटरली उनको कहते हैं कि देखिए आप में ये डिफिशियंसीज है, आप इसको करेक्ट करिए, और उनको टाइम भी देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप एक रोड मैप हमको दीजिए, आप इसको 6 महीने में, 1 साल में कब कंप्लीट करेंगे. तो वो फिर रोड मैप एक हमको देते हैं, प्लान ऑफ एक्शन देते हैं, तो उसको हम देखते हैं वो रीजनेबल है या नहीं. फिर हम, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इंप्लीमेंट करें, तो उनको टाइम देते हैं. और जहां पे हमने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाए, इसीलिए लगाना जरूरी हुआ क्योंकि वो जो रेक्टिफिकेशन करना था, जो करेक्टिव एक्शन करना था, वो सही तरीके से नहीं हो रहा था. तो हम अगर उसको 1 साल 1.5 साल तक टाइम देते हैं और आगे अगर उसको कुछ ना करके ऐसे छोड़ देंगे, इट कैन क्रिएट ए बिगर क्राइसिस. और क्राइसिस में सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करता है? द कंज्यूमर्स, द डिपॉजिटर्स. तो हमारा जितने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस है, मेन प्रायोरिटी इज टू सी दैट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ओवरऑल जो देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका कोई असर ना आए. तो इसीलिए हम एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, टाइम देते हैं करेक्शन के लिए, रोड मैप मांगते हैं उनसे. अगर करेक्शन सही टाइम पे नहीं होता है, फिर हमको ये सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है. और उसका उद्देश्य ये नहीं कि उनको पनिश किया जाए, उसका इंपॉर्टेंस ये है, उसका जो क्रिटिकलिटी ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी करिए, नहीं तो आप बिजनेस ग्रो ऐसे नहीं कर सकते हैं. एक तरह से आपका एक वीकनेस है, लेकिन आप बिजनेस ग्रो करते जा रहे हैं. आपका मतलब कॉमन मैन लैंग्वेज में कहो, आपका स्टमक अपसेट है, लेकिन आप खाते जा रहे हैं. खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, कुछ दवाई लेना चाहिए. तो यू हैव टू कंट्रोल. सो इट इज मेनली ए करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर that the necessary corrective steps are taken by the bank management or the NBFC management. नहीं, बिल्कुल सही है ये. आप सॉरी अगेन फॉर अ वेरी लॉन्ग रिप्लाई. नहीं नहीं, बट वेरी वेरी इंसाइटफुल. जो आपने कहा कि सुपरविजन का जो पहले का वक्त था, अब बहुत कम हो गया है, और डिजिटल इंटरवेंशन के कारण रियल टाइम, करीब करीब रियल टाइम मॉनिटर कर लेते हैं. तो थोड़ी सी मेरी क्यूरियोसिटी जानने की है कि जो एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है, एकदम रियल टाइम अर्ली वार्निंग के और भी अर्ली वार्निंग मिल जाए, उस स्टेज में अब आरबीआई पहुंच गया है सुपरविजन के मामले में? देखिए, टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, वी आर एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजी, द फाइनेंशियल सेक्टर इज ऑल्सो एडवांसिंग वेरी मच इन टेक्नोलॉजी, एंड वर्ल्ड सिचुएशन इज कॉन्स्टेंटली डायनामिक. इनफैक्ट टूडे द चेंजेस एंड द डायनामिज्म इन द ग्लोबल इकोनॉमी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज, इट्स बिकम अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. तो एट नो पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से दैट कि हाँ हम पहुंच गए उधर, क्योंकि न्यू चैलेंजेस कम अप. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी जितने नए टेक्नोलॉजिकल मेथड्स अभी आ रहे हैं, उसको भी यूज करना शुरू किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा एक बहुत इंटरनली एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है, उसको हम धीरे धीरे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. और थ्रू दिस वेरियस एनालिटिकल टूल्स, यू नो, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कई सारे जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर रहे हैं. लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट्स ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. वी कैनॉट बी कॉम्प्लेसेंट कि हम मतलब हो गया 90% 99% आ गया. वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वी हैव टू इवेल्युएट आवर सेल्व्स. द बैंक मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो इवेल्युएट देयर ओन इंटरनल वर्किंग मेथड्स. इट्स ए चैलेंज फॉर एवरी वन हु इज देयर इन द फाइनेंशियल सेक्टर टू कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट हिमसेल्फ एंड टू सॉर्ट ऑफ ग्रो एंड डेवलप.